हाय सुरक्षण अगेन फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं ये एक डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हम तीन डिफरेंट एक्सपायरी में पोजीशन लेते हैं। वी टेक द पोजीशन इन थ्री डिफरेंट एक्सपायरीज इन नियर एक्सपायरी। सपोज द डेट इज, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 29th मार्च 2023। टुडे इज 29th मार्च एंड जो आपका नियरेस्ट एक्सपायरी है, द नियरेस्ट एक्सपायरी 6th अप्रैल। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रेडल बाई किया, ठीक है। नियरेस्ट एक्सपायरी का स्ट्रेडल आपको बाई करना है। ठीक नेक्स्ट वाला एक्सपायरी यानी कि 13th अप्रैल का डबल क्वांटिटी आई हैव सोल्ड 2 लॉट्स ऑफ द स्ट्रेडल इन नेक्स्ट एक्सपायरी। एंड मंथली वाले में फिर से आपको स्ट्रेडल बाई करना है बट 1 लॉट, यानी कि दिस स्ट्रेटजी इज कम्प्लीटली हेज्ड। नियर वाले में 1 लॉट बाई करना है, दूर वाला यानी कि जो मंथली वाला है इसमें भी आपको 1 लॉट स्ट्रेडल बाई करना है। एंड जो आपका मिडिल वाला एक्सपायरी है यहाँ पे डबल क्वांटिटी में स्ट्रेडल सेल करना है। ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आर गोइंग टू बी एट द मनी ओनली, बट आपका एक्सपायरी डिफरेंट होगा 6th अप्रैल, 13th अप्रैल एंड 27th अप्रैल। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट्स इन बोथ द सिनेरियोस, ट्रेंडिंग मार्केट में भी एंड साइडवेज मार्केट में भी। तो चलो मैं आपको जल्दी से सिमुलेशन करके आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट्स आप इसका कैसे कर सकते हैं। पहली बात कि आप देखो, जस्ट इन वन डे मार्केट एक दिन पहले 17,000 के आसपास था एंड जस्ट इन वन डे आप देख सकते हैं कि मार्केट हैज मूव्ड अप बाय 258 पॉइंट्स इन जस्ट वन डे। एंड आप देखो कि मार्केट मूव किया, मार्केट हैज गिवन अ मोमेंट एट अपसाइड। एंड लुक एट द ब्लू लाइन, आपका ब्लू लाइन इज गिविंग यू अ स्मॉल प्रॉफिट, इट्स गिविंग यू अ प्रॉफिट ऑफ 510। अभी मैं कुछ दिन और आगे चलता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखो जैसे ही आप नेक्स्ट जाते हो, आप देखो आपने स्टार्ट किया था 17,000 के आसपास एंड जस्ट इन टू डेज निफ्टी हैज गिवन द मूवमेंट ऑफ 365 डेज। निफ्टी, इट्स निफ्टी नॉट बैंक निफ्टी। उसके बावजूद अगर आपने कोई नॉर्मल सेलिंग किया होता तो आपको कॉल में बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा होता, बट अभी आपको 335 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ये देखो कि आपको लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि जस्ट इन टू डेज निफ्टी हैज गिवन द मूवमेंट ऑफ 365 डेज। अब चलो नेक्स्ट डे अगेन मार्केट हैज गॉन अप, नेक्स्ट डे भी मार्केट ऊपर गया है। आप देख सकते हैं आपका ओवरऑल प्रॉफिट इज 1.5%, इट्स 1.5% एंड आपको प्रॉफिट है 2136। एंड आप देखो कि जस्ट इन थ्री डेज निफ्टी 17,000 से ऊपर आके 17,443, यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स निफ्टी ने मूव कराया ऊपर की तरफ एंड स्टिल यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट, अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। आई एक्सप्लेन यू ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, जस्ट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आई एक्सप्लेन यू ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। देखो ये 6th अप्रैल है जो आपका नज़दीक वाला एक्सपायरी था, आपने ये ट्रेड लिया है इस 13th अप्रैल के लिए, यानी कि आपको ना ही अपना ट्रेड 6th को क्लोज करना है ना ही अपने ट्रेड को 27th तक लेके जाना है। आपने ये ट्रेड लिया है 13th अप्रैल के लिए, ठीक है। ये ट्रेड 15 डेज के लिए है, दिस ट्रेड इज फॉर, आई मीन ये ट्रेड आपका ना ही वीकली है ना ही मंथली, आपने 2 वीक के लिए ये ट्रेड लिया हुआ है। और आप एक चीज़ और देखो कि ये देखो आज लास्ट डे है, लुक एट द पे ऑफ। पहले इनिशियली आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस दिख रहा था, कैलेंडर में पे ऑफ आपका हमेशा चेंज होता रहता है। आज लास्ट डे है इस वाले एक्सपायरी का 6th अप्रैल का, आपको जस्ट एग्जिट करना है, ठीक है, या फिर आप इवनिंग तक होल्ड कर सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट एग्जिट इट, ठीक है। तो 6th अप्रैल वाला एग्जिट कर दो। अभी आप देखो अभी आपका पे ऑफ कैसा दिख रहा है, जैसे ही आपने 6th अप्रैल का एग्जिट किया आपको यहाँ पे एक लॉस का पोटेंशियल दिख रहा है। अगर मार्केट और ऊपर गया तो यहाँ पे लॉस हो सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एग्जिट योर कॉल दिस सोल्ड लेग, ठीक है, कॉल का सोल्ड लेग आप एग्जिट कर दो एंड जो कॉल आपने बाई किया हुआ था इसको भी एग्जिट कर दो। देखो बाई को मैंने एग्जिट क्यों किया, अगर आपने सिर्फ बाई को अगर आप होल्ड करते हैं तो मार्केट नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा, बट आप अगर बाई को एग्जिट करते हैं तो इतने डेबिट को आपने बचा लिया, यू आर सेविंग दिस डेबिट, ठीक है। मुझे डेबिट भी नहीं देना है क्योंकि अब जब मार्केट नीचे आएगी तो आपका नीचे की तरफ ब्रेक इवन है 17,148, सो यू हैव द सेफ्टी ऑफ अराउंड 400 पॉइंट्स हियर। इवन इफ मार्केट डजंट गो अप, इवन इफ मार्केट रिमेन्स साइडवेज और मार्केट इज कमिंग डाउन, यू आर हैविंग द सेफ्टी ऑफ अराउंड 400 पॉइंट्स। सो पहले आपको नज़दीक वाले एक्सपायरी को पूरी तरह से क्लोज करना है, ऑब्वियसली
ये अपने आप भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद देखो कि आपका रिस्क कहाँ पे है। अगर आपका रिस्क कॉल साइड तरफ है तो कॉल के सारे पोजीशन को एग्जिट कर दो, 13th अप्रैल वाले को भी आप एग्जिट कर दो, एंड जो नेक्स्ट वाला आपने बाई किया हुआ था कैलेंडर में इसको भी एग्जिट कर दो। अगर यही कंडीशन नीचे की तरफ रहता पुट साइड में, 27th अप्रैल वाले सीरीज में 17,000 के पुट को हम लोग एग्जिट कर देते, ना कि कॉल को हम लोग एग्जिट करते। तो देखो अभी हम लोगों ने इसे ऐसा बना दिया जैसे कि ये एक डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों जैसा पे ऑफ इसका दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप कंटिन्यू ऊपर जाते हैं तो देखो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज हियर। आप मार्केट का मूवमेंट देखो, मार्केट का मूवमेंट था इट वाज अराउंड 17,000, अभी मार्केट चल रहा है 17,686 पर, ठीक है। इंटेंशनली मैंने आपको एक ट्रेंडिंग मूव का सिमुलेशन करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट मैंने नहीं रखता है, हालांकि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है अच्छा खासा, बीच में बहुत बार 2000 का भी प्रॉफिट आया था, अराउंड 1.5% प्रॉफिट आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, बट मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रेंडिंग मूव का एडजस्टमेंट्स दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो क्या करना है, ठीक है। मैं जस्ट इसको कंप्लीट करूंगा, आप हाँ कंप्लीट हो चुका है ये 13th अप्रैल तक, आपको जस्ट एग्जिट कर लेना है। एंड फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ट्विटर का अकाउंट है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमेशा थ्रेड्स डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ थ्रेड्स रिलेटेड टू सम एडजस्टमेंट्स, सम स्ट्रेटजीज। रिसेंटली मैंने एक थ्रेड डाला था बटरफ्लाई के ऊपर, आप बटरफ्लाई को 9 different तरीके से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं विथ ऑल द डिटेल्स, विथ ऑल द एग्जाम्पल्स मैंने ये थ्रेड डाला था। तो आप ट्विटर पे जाओ एंड मुझे फॉलो करो, यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। देखो मार्केट अगर साइडवेज रहता है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं देता है, तो एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, जस्ट एग्जिट दिस जो नज़दीक वाला स्ट्रैडल है, जस्ट एग्जिट दिस टू लेग्स, ठीक है। इस दोनों लेग को आप एग्जिट कर दो, इस दोनों लेग को एग्जिट करने के बाद आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, इट लुक्स लाइक कंप्लीट नॉन डायरेक्शनल। अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रह गया 2-3 दिन में, क्योंकि जो पहला वाला स्ट्रैडल है ये 1 week का ही रहता है, तो ऑब्वियसली अगले 2-3 दिन तक मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रह गया या 3-4 दिन तक, तो जो आपका नज़दीक वाला स्ट्रैडल है इस दोनों को बाई कर दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके एग्जिट करने के बाद, आपके इस एडजस्टमेंट्स के बाद अगर मार्केट कहीं मूवमेंट देने लगता है तो आपको क्या करना है, मान लो अगर मार्केट कॉल साइड की तरफ मूवमेंट देने लगता है, जस्ट कॉल का एक लॉट, कॉल का हाफ क्वांटिटी आप एग्जिट कर दो। आप जैसे कॉल का हाफ क्वांटिटी एग्जिट करते हो, आपका अपसाइड पूरी तरह से फ्री हो जाता है। अगर यही काम डाउन साइड में हुआ, अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो जाता है, तो पुट का 1 lot आप एग्जिट कर दो। तो एक बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट से आपको जो नज़दीक वाला स्ट्रैडल बाई किया है नियर वाले एक्सपायरी का, इस एक्सपायरी के दोनों स्ट्रैडल को, दोनों लेग्स को आप एग्जिट करो, एंड उसी साइड का जहां पे आपने नेक्स्ट वाले में सेल किया हुआ है हाफ क्वांटिटी को एग्जिट कर दो। तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो ना हो, साइडवेज हो, कहीं भी जा रहा हो मार्केट, इस स्ट्रेटजी में लॉस का चांसेस बहुत कम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी इज कि इस स्ट्रेटजी को विक्स से कोई लेना देना नहीं है, इस स्ट्रेटजी को विक्स से कोई लेना देना नहीं है, विक्स कम हो विक्स ज़्यादा हो, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आप बाइंग भी करते हो सेलिंग भी करते हो 3 different एक्सपायरीज में। सो आई फाइंड दिस स्ट्रेटजी वेरी इफेक्टिव, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।